सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं एटीएम टेस्ट करने के लिए। बहुत ज्यादा कल ही डिमांड आ रहा था कि भाई प्लीज एटीएम टेस्ट बनाओ। तो फाइनली आज के इस वीडियो में हम जाके चेक करने वाले एटीएम में काम करता है या नहीं। सबसे बड़ी बात है, मैं एटीएम टेस्ट करके आ चुका हूँ, मुझे पता है एटीएम टेस्ट हुआ है या नहीं। आपको अगर जानना है तो वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना, लास्ट में आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा है और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें एटीएम विड्रॉल हुआ भी या नहीं भी हुआ ऐसे बोल रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो पूरा देख लेना। और चलिए मेरे टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपको कुछ एक्सप्लेन करूंगा, साथ में ही साथ वीडियो देखने के बाद लास्ट में आपको थोड़ा दिखाऊंगा और बताऊंगा आपका भी कैसे और क्यों नहीं काम कर रहा है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ उसको फैम पे का जो चेक करने, इसका एटीएम टेस्ट क्या होता है या नहीं सारा कुछ लाइव प्रूफ डिटेल में बताऊंगा। एंड चलिए एटीएम में हम चलते हैं, वहां से आपको दिखाते हैं कि मेरा पेमेंट होता है या नहीं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो मैं चलता हूँ और एटीएम विड्रॉल करने चलते हैं। सो ये है कार्ड, सो ये देखो ये है कार्ड, लेके चल पड़े हम। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है एटीएम, मतलब कि दूर तो है बट आपको बीच का क्लिप नहीं दिखाऊंगा, बहुत ज़्यादा लंबा दूर है। सो ये है मेरा सुंदरबनी का मार्केट और यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं जल्दी और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं कि नहीं, क्योंकि पहले बहुत लेट हो चुका है, जल्दी चलते हैं। सो गाइस एक और चीज़ आपको मैं कंसल्ट कर दूँ, हमारा जो कार्ड है उसमें 29 रुपीज़ पड़ा है एंड मतलब 540 रुपये पड़ा हुआ है। देखते हैं विड्रॉल होता है अनमनी या नहीं होता, क्योंकि बहुत बार ट्राई किया था मैंने। तो गाइस ये है कार्ड। सो गाइस ये है यहाँ का रास्ता और यहाँ से भी एक एटीएम है। और आज है मौसम सुहाना सुहाना, क्योंकि देखो कितना ठंडा मौसम है आज, नहीं तो इतना गर्मी होता है इधर। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने एटीएम के पास। सो इधर है पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक से ट्राई करते हैं पेमेंट करने का, यहां से होता है या नहीं। मैं पहले ही पेमेंट कर चुका हूं। लेट्स स्टार्ट। काइंडली कीप द मेन डोर क्लोज, थैंक यू। ये डाला कार्ड और देखते हैं हमारा पेमेंट होता है नहीं। इंग्लिश कैश विड्रॉल सेविंग रिसीट चाहिए, नो 500। नेक्स्ट कोड प्रेस, सो गाइस इस बार भी मेरा कार्ड नहीं चल रहा है, 500 रुपये फंसा हुआ है इसमें भी नहीं चल रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, रुको जरा सबर करो। सो गाइस इस वाले एटीएम में मेरा पैसा निकल चुका है और नो पे क्लिक कर देंगे और कार्ड निकाल लेते हैं। सो गाइस ऐसा है कि बात की जो पुराना गया था एक बैंक में ट्राई करना, अगर एक बैंक से नहीं निकलता तो दूसरे वाले बैंक में ज़रूर देखना, क्योंकि मैं पहले पंजाब में गया था, पंजाब में पैसा नहीं निकला, फिर मैं गया अभी SBI का हूँ, SBI में पूरा आपको नई चीज़ दिखाया कैसे करते हैं ATM निकालते हैं, आप ट्राई किया तो मेरा पैसा निकल चुका है देख सकते हो। और अच्छा लगा वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे कि हमने लास्ट में देखा कि मैंने ये 500 रुपये मेरे पास मिल चुका है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ATM विड्रॉल जाकर किया था इस कार्ड के साथ, तो कार्ड वर्क कर गया। पहले तो मुझे लगा कि ATM में वर्क नहीं करेगा, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में ऐसा था कि वहाँ पे इनका सर्वर डाउन हो गया था, इस वजह से आपको भी लग रहा होगा कि ATM में वर्क नहीं करता, बट बेसिकली वर्क करता है। मैं फिर गया दोबारा SBI में, तो SBI के ATM में गया तो वहाँ पे मेरा पेमेंट हो गया इजिली और मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया जिससे मैं पेमेंट कर रहा था कि कितना कितना प्रोसेसिंग है, क्या कैसे कैसे करते, वो तो मैंने आपको पंजाब में ही बता दिया था। डायरेक्टली मैं उसको वीडियो किया और जैसे मैंने कार्ड लगा के उसको पेमेंट किया तो मेरा पेमेंट जो इजिली सक्सेसफुल हो गया था और मेरा पेमेंट यहाँ पे देखो आराम से मिल चुका है 500 और 29 रुपीज़ मेरा कटा था। फिर वापस से क्या हुआ कि रिफंड भी हो चुका है, क्योंकि मेरा 6 टाइम फ्री है तो मैंने 1 टाइम और यूज कर लिया, अभी मेरे पास 5 टाइम और है जिसको मैं यूज कर सकते ATM में फ्री में ही, उसके बाद से 29 रुपीज़ चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जिन जिनका नहीं हो रहा तो आप बेसिकली काम करो किसी और ATM में ट्राई करो, शायद से आपका भी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।